गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आज आप सब बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे, अभी टाइम हो रहा है 11। तो मैं रेडी हो गई हूँ दोस्तों, अभी जाऊँगी मैं थोड़ा बाहर, बहुत सारे काम है बाहर, तो बस अभी निकलने वाली हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। साथ में ली हूँ छतरी, बहुत ज़रूरी है अभी, कभी भी बारिश हो रही है आजकल, तो बस इसीलिए। और बाहर मैं कपड़े सुखाई हूँ, तो वो सब मैं देखती हूँ, ऊपर रख देती हूँ या फिर ऐसे ही छोड़ूंगी, आसमान देख के मैं डिसाइड करूँगी। और बस सबसे पहले जाऊँगी एटीएम, पैसे निकालना है, इसके बाद बाबू का फीस भरना है, और इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा स्टेशनरी, मेरा शैम्पू कंडीशनर सब खत्म हो चुका है तो वो लेके आऊँगी। और इसके बाद लास्ट में जाऊँगी बुक स्टोर, बाबू का पेंसिल और कटर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बाबू का एक पेंसिल एक ही दिन चलता है, वो छोड़ के आ जाता है, पेंसिल इरेजर कटर तो हम डब्बा भर के लेते हैं, इसलिए कटर भी उसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, और पेंसिल तो आज लास्ट एक बचा था, वो आज छोड़ के आने वाला है, तो बस वो तो बहुत ज़रूरी है। तो बस यही बात था, चलिए चलते हैं और जल्दी जल्दी जाते हैं, और 12 बजे तक वापस भी आना है, खाना वाना बनाना है। वैसे वैसे मैं नहा के जा रही हूँ, तो बस आने के बाद खाना ही बनाना है, और बस ठीक है चलिए चलते हैं। मैंने पैसे निकाल लिए, अभी मैं जाती हूँ स्कूल। तो दोस्तों मैं वापस आ चुकी हूँ सारा काम ख़त्म करके, और काफ़ी टाइम लग गया, 12:30 बज गए, तो अभी जल्दी जल्दी मैं खाना वाना बनाती हूँ। सबसे पहले ये सारे कपड़े जो अच्छे से सूखे नहीं हैं, बाहर सुखाई थी बट जाने के टाइम मैं इसको रख दी थी यहाँ, कहीं बारिश आ गई तो फिर पीछे से, तो अभी पहले ये सबको बाहर रखूँगी, इसके बाद चेंज करके खाना बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो हम लोग का लंच हो चुका है, और इधर मैं दिखाती हूँ किचन का हालत, इतना सारा बर्तन गंदा हुआ है, और इधर है बाबू, हाय बोलो। हाय। हाँ, इधर बेड में देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा, ये मैं बाहर में सुखाई थी ना, वो सूख चुका है, तो अभी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी काम करने को, देखती हूँ थोड़ी देर बाद, करना है तो करूँगी थोड़ी देर बाद करूँगी। आज तो बहुत ज़्यादा चलना हो गया इधर उधर, क्या हो रहा है बीबी, कुछ नहीं दबाना है, देखो ये अपने आप हो गया। हाँ वो ये होने दो, कंप्लीट कंप्लीट 100 होने दो, 100 होने दो अपने आप, पूरा 100 तक गिन सकता हूँ, गिन लो। हाँ ये कहाँ घुसा दिया आपने, ये डस्टबिन है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना अजीब सा लग रहा है मुझे, ठीक है मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, वॉकिंग कर लेती हूँ। मामा बाबू आपने जो जो खाया सब फेंका, ओहो सारा चीज डस्टबिन में होना चाहिए, अगर इधर उधर पड़ा मिला ना मुझे फिर देखना। गया।
चलो। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हो रहा है 9 और अभी हम लोग देख रहे थे पटाखे फोड़ रहे हैं उधर, और अभी बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई। अभी तक थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे, डिनर करेंगे, इसके बाद सोएंगे। चलो मजा आ गया, मजा आ गया ना, काफी दिन बाद हम लोग पटाखा देख रहे हैं। नहीं ज्यादा हो गया नहीं, या फिर आँख खुल गया, मतलब थोड़ा सा भर गया। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल सुबह को, ठीक है? अभी हम लोग ब्लॉग नहीं शूट करेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज नेक्स्ट डे है, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और कुछ देर में हम लोग जाएंगे स्कूल। उससे पहले एक प्रॉब्लम है, जो ये है बाबू का सॉक्स, ये सूखा नहीं है, पूरा गीला गीला लग रहा है। यूनिफॉर्म मतलब उसका हाउस ड्रेस तो जैसे तैसे सूख गया है, बट ये छोटा सा चीज़ सूख नहीं पाया बेचारा। ये कॉटन का है ना, तो कॉटन का कपड़ा थोड़ा टाइम लगता है सूखने में। बाकी दूसरा वो जर्जर टाइप का कपड़ा है जो उसका हाउस ड्रेस है, इसी वजह से वो जल्दी सूख गया। बस कमर में था, बट वो भी ठीक है, सूख गया है। लेकिन अभी मैं बैठी हूँ आयरन लेके, करने वाली हूँ मतलब सुखाने वाली हूँ, कोशिश करूँगी कि सूख जाए, नहीं तो ऐसे पूरा ठंडा ठंडा नहीं पहना सकते, दूसरा कुछ पहना दूँगी, दूसरा सॉक्स उसका, क्योंकि सर्दी हो जाएगा पूरा पैर में अगर हर टाइम ठंडा ठंडा रहेगा तो। बाबू करो भाई, बाबू उधर अपना काल हम लोग किए नहीं हैं, उसका एक होमवर्क बचा हुआ था याद करने के लिए टेबल, तो अभी वो याद कर रहा है और वो नाश्ता कर चुका है, बस कुछ देर में नहला के भेज दूँगी स्कूल, क्योंकि काल नहाया नहीं था, इतना स्मेल कर रहा बेचारा, वो बहुत उसको बहुत पसीना होता है, तो इसी वजह से ज़्यादा ही स्मेल हो रहा है। क्या ही करें। बाबू करो, मैं बोल रही हूँ जल्दी 4 का याद करो। और दोस्तों आज का मौसम भी बिल्कुल वैसे के वैसे है, बारिश नहीं गिरी है बट बिल्कुल जैसे अभी शाम हो रही है ऐसे लग रहा है। मैं एक गाना गाती हूँ जो मुझे मज़ा आए, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नहीं सूखने वाला, दूसरा वाला पहना दूँगी कोई भी। बाबू आप मैम को बता देना कि मेरा सॉक्स गीला है, नहीं सूख पाया, इसीलिए मैं अलग सॉक्स लेके आया हूँ, ठीक है? हैं सॉक्स क्या? अच्छा बाबू बोल रहा है हमारे सॉक्स इंचार्ज नहीं है, कोई नहीं देखेगा, तो ठीक है नया कुछ पहन लेते हैं दूसरा। ओके ये जितना मैं आराम कर रही हूँ उतना ज़्यादा गीला हो रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं और करते हैं आयरन को बंद। और दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है सुबह सुबह, बट मैं अभी नहीं खा सकती, और कल रात को मैंने अपने नेल पेंट लगाया है, देखो ये है लाइट येलो, यह थोड़ा सा ग्रीन है, लाइट ग्रीन हो सकता है, दोनों हाथ में। दोस्त चलिए बाबू को देखते हैं क्या कर रहा है। हो गया आपका 4 का? चलो जल्दी कर लो। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4
4, 5, 20 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग याद कर लो फिर नहाएंगे ओके तो दोस्तों ठीक है चलिए पढ़ने देते हैं डिस्टर्ब नहीं करते हैं इसको और मेरे फेस में दो टू कुछ निकला हुआ है थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है ओके हेलो दोस्तों तो अभी टाइम 9 बज रहे हैं और सारा काम ख़त्म हो चुका है बस अभी थोड़ी देर में मैं नहाऊंगी और आज धूप निकला हुआ है दोस्तों तो अच्छा लग रहा है जो भी कपड़ा था सारा मैं निकाल के रखी हूँ बाहर आज तो सब सूख जाएगा तो ठीक है दोस्तों ये ब्लॉग एंड कर देते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहे खुश रहे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना ठीक है बाय बाय गुड डे